मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। 23 सितंबर 2020 राहु का गोचर होने वाला है और राहु का गोचर जो है वो नाम सुनते ही राहु का हमारे दिमाग में एक क्रूर वाली जो छवि है वो बन जाती है। ज्योतिष में राहु को बहुत ही बुरा और अशुभ ग्रह माना गया है क्योंकि राहु और केतु हमेशा ही वक्री अवस्था में कार्य करते हैं, यानी कि उल्टे ही कार्य करते हैं। जो लोग कई लोग जो हैं वो राहु का नाम सुनते ही परेशान हो उठते हैं, उनका ये रीज़न है क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को झेला होता है, राहु का जो गोचर है, राहु का जो प्रभाव है उसकी परेशानियों को झेला होता है। कुंडली में राहु का असर होने से, राहु का अशुभ प्रभाव होने से बीमारियां, परेशानियां और असफलता आपके पीछे भागती है। और मैं आपको आज बताने वाली हूं कि वृश्चिक राशि के लिए राहु का जो गोचर है वो कैसा रहने वाला है, क्या क्या बदलाव उनके लिए आने वाले हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा जब राहु का जो गोचर है वो होगा। जो राहु का गोचर है वो बहुत ज़्यादा परेशानियां लेकर बहुत सारे ग्रहों के लिए आएगा, लेकिन राहु सिर्फ परेशानियां ही दे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बुरे से बुरा आदमी है लेकिन वो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करता है। अगर अच्छा करता है तो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल, यानी कि क्या कहें कि बहुत ज़्यादा अंत में अच्छा करता है, और बुरा करता है तो फिर बीमारियां, परेशानियां या फिर इन सब चीज़ों को लेकर आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। राहु अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आपको शनिवार का व्रत रखना है, उससे राहु का जो दुष्प्रभाव है वो कम होता है। राहु का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलता है। तो आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। राहु का जो गोचर है वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सातवें भाव में होने जा रहा है। उस सातवें भाव का गोचर से वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बिल्कुल सामान्य रहने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी, लेकिन राहु के परिवर्तन के कारण जीवन साथी की जो बुद्धि है वो काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाएगी, तेज हो जाएगी और उनके जो गुस्सा है उसमें अधिकता देखने को मिलेगी, और वो गुस्सा है वो आपके संबंधों को बिगाड़ भी सकता है। तो इसलिए राहु आपके लिए इस स्थिति में परेशानी का कारण बन सकता है, तनाव होगा आपको इससे, क्योंकि अगर माहौल अच्छा ना हो, एटमॉस्फेयर घर का अच्छा ना हो तो परेशानी हो जाती है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में कटुता का सामना आप कर सकते हैं। आय बढ़ाने के लिए भी अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा, आपको पैसे को लेकर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, या फिर कहूँ कि आपका जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा संचय कर धन संचय आप नहीं कर पाएंगे, धन एकत्र नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी, लेकिन अधिक परिश्रम से आपको पैसा आप कमा सकते हैं। यदि व्यापार करते हैं तो इस गोचर काल में आपको अपने पार्टनर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, जो करे अपने दम पर करे, अपने आप करें, अपनी समझ से करें। अगर किसी बड़े की, अगर आपके घर का जो विश्वास पात्र है उसकी सलाह लें, अन्यथा आप अपने पार्टनर पर विश्वास न करें। लाभ होगा, फ़ायदा होगा आपको अपने व्यापार में, लेकिन अपने पार्टनर की किसी भी बात पर विश्वास करके कोई कार्य उन पर नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, आपको इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो सोच समझ कर करनी है। इस समय आपका पार्टनर आपका फ़ायदा उठा सकता है, तो सोच समझ कर कोई भी कार्य करें। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, शिक्षा के क्षेत्र में संभल कर रहें। राहु का गोचर आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है, आपको उसे संभल कर रहना चाहिए। प्रेम जीवन के लिए समय अच्छा रहेगा, आप एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, आपका संबंध मजबूत होगा। और जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, कोई मिले जुले मिश्रित परिणाम उनको मिलेंगे, कोई बहुत ज़्यादा उनको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।
राहु का जो गोचर है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत सही रहने वाला है, मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, मिले जुले परिणाम लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा ना ही परेशानी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का गोचर कैसा रहने वाला है। तो आशा करते हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने क्वेश्चंस कमेंट कीजिए, अपनी राय मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आशा करती हूँ भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका दिन आपका समय मंगलमय हो। धन्यवाद।